हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 क्या 5 बार सीबीटी पेपर देने होंगे आपको? सीबीटी 2 आपको कितनी बार देना पड़ेगा? 12th के ऊपर कितनी बार देना पड़ेगा? ग्रेजुएशन के ऊपर कितनी बार देना पड़ेगा? सेंटर आपका कितनी दूर आएगा? टाइपिंग टेस्ट वाली प्रेफरेंस दें या साइको टेस्ट वाली प्रेफरेंस दें? सब ये एक गलती कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो में हम इन सभी बातों का जवाब देंगे आपको अच्छे से। आपको जो है सेटिस्फाई हो जाओगे, आप इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, डाउट नहीं रहेगा कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है मेरी बातें अच्छे से समझ में आएगी और मैं सभी आपके डाउट हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार ज़रूर समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की बोलने वाले हैं और इस वीडियो को लाइक करने की बोलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये काम आप ज़रूर कर दें। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है पूरी जानकारी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो अन अकेडमी प्लस से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं सिर्फ 800-900 रुपए में। अगर रेलवे की कोचिंग लेना चाहते हैं तो 800 रुपए फीस है, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हो इसलिए आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको रेफरल कोड मांगे जब पेमेंट करते टाइम तो अमित जोगी AA डाल देना है और पेमेंट कर देनी है, जिसके कारण आपकी 800 रुपए वाली फीस जो वो 720 रुपए की हो जाएगी और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। देश के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको फ्रेंड्स आज हम बताएंगे कि आपको सीबीटी 2 सबसे पहले तो कितनी बार देना होगा। आप यहां पर देख रहे हैं सबसे पहले प्लस टू की वैकेंसी है 5, ये प्लस टू के ऊपर पोस्ट है। यहां पर आप देख रहे हैं लेवल भी अलग अलग दे रखे हैं, 2 2 2 इसका 3 है। इस यहां पर जो है सैलरी भी अलग है, 19,900 है इन चार के पोस्ट की और लास्ट वाले की है 21,700। तो इनके सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, सैलरी अलग अलग है तो सीबीटी 2 जो है वो अलग होना ही है। और मैं आपको बता दूं, जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होगा वो इन 5 पोस्ट के लिए एक जैसा आएगा, कॉमन आएगा, लेकिन जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है वो डिफरेंट आएगा, अलग अलग लेवल का आएगा। उससे पहले ये बात बताऊं मैं आपको फ्रेंड्स, इससे पहले हम प्लस टू जो ग्रेजुएशन के ऊपर जो फॉर्म है उनकी और बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के ऊपर फ्रेंड्स ये जो 8 फॉर्म निकले हुए हैं आपके, और यहाँ पर भी लेवल आप देख सकते हैं 4 है, 5 है, 6 है, 3 टाइप के अलग अलग लेवल हैं। और इसी प्रकार से आपकी सैलरी भी वेरिएट कर रही है, इसकी 25,500 है, इसकी 29,200 है और मैक्सिमम 35,400 है। तो जब सैलरी अलग अलग है, लेवल अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आपके जो है सीबीटी 2 के एग्ज़ाम हैं वो अलग अलग होंगे। कौन सी शिफ्ट के किस तरह के एग्ज़ाम होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपको कितने सीबीटी देने पड़ेंगे। तो शुरू में जो पहली आप 5 पोस्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है प्लस टू लेवल की है, और इसमें जो सीबीटी 1 है वो कॉमन है पाँचों के लिए, ठीक है। तो पाँचों में आपको जो है सीबीटी 1 2 देना ही देना है। उसके बाद जो 2 2 2 2 4 पोस्टों पर लिखा हुआ है लेवल जो है, इसके लिए आपका कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट सीबीटी 2 होगा आपका इन चारों के लिए, तो सीबीटी 2 आपको देना पड़ेगा। और एक 5 नंबर की आप पोस्ट जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको पहले मैं बता दूं, एक एग्ज़ाम तो आपका सीबीटी 1 और ये सीबीटी 2 वाला जो है ये हो गया आपका, तो 2 एग्ज़ाम तो हो गए आपके। उसके बाद जो है नंबर 5 पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 3 नंबर लेवल है इसका, तो यहाँ पर लिख रखा है सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट। तो अगर आपने प्रेफरेंस के अंदर नंबर 5 वाली पोस्ट भी डाली है, जो कि आपने ज़रूर डाली होगी, तो उसके लिए आपको सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट ये सीबीटी देना होगा। सीबीटी 2 जो है 3 पोस्ट वाली के लिए एक अलग से देना होगा, तो प्लस 1। तो आपके प्लस 2 के ऊपर जो आपको टोटल सीबीटी देने पड़ेंगे वो है 3 एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे अगर आपने प्लस 2 के ऊपर अप्लाई किया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस 2 के ऊपर 3 हो गए। अब बात करते हैं प्लस 2 से अपर लेवल ग्रेजुएशन लेवल की, इसके ऊपर जो है 3 3 6 और 2 8 पोस्ट है आपकी यहाँ पर, ठीक है। 8 पोस्टों के लिए आपको सीबीटी 1 तो देना ही देना है, सभी के लिए कॉमन है फ्रेंड्स। अब सीबीटी 2 के अंदर जो है आपको नंबर 6 पे देखिएगा, 4 नंबर लेवल है, तो एक सेपरेट फॉर लेवल 4 पोस्ट, तो ये आपको देना होगा अलग से। तो एक सीबीटी 1 और एक नंबर 4 वाला, ये दो तो हो गए आपके। फिर जो गुड्स कार्ड्स भी आपने प्रेफरेंस में जरूर डाला होगा फ्रेंड्स, तो इस पर है 5 नंबर, और यहाँ पर देख रहे हैं 8-7 नंबर से
11 नंबर जो पोस्ट है इसके लिए 5 नंबर वाला सीबीटी देना होगा, तो कॉमन फॉर ऑल लेवल लो 5 पोस्ट, तो 5 नंबर जो पोस्ट है उसके लिए एक अलग से हो गए, तो एक सीबीटी ये हो गया, 3 हो गए अभी तक आपके। और फिर आपने प्रेफरेंस में जो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस भी डाला होगा और स्टेशन मास्टर भी डाला होगा, स्टेशन मास्टर भी आपने डाला होगा। तो इसके लिए जो है आपका कॉमन फॉर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन फॉर लेवल 6, तो आपके एक कॉम सीबीटी 1, एक सीबीटी 4, एक सीबीटी 5, एक सीबीटी 6, तो यहाँ पर आपके 4 हो गए ग्रेजुएशन लेवल पर। लेकिन फ्रेंड्स जो ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम देते हैं वे प्लस 2 वाले भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं, तो प्लस 2 वाले के लिए आपको सीबीटी 2 वाला एक और सीबीटी 3 वाला, तो प्लस 2 ये। तो आपको ग्रेजुएशन के ऊपर अगर आपने एग्ज़ाम डाला है तो आपने सभी प्रेफरेंस डालनी होगी, आपको डाल देना अच्छा रहता है वैसे, तो आपको 6 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 6 सीबीटी देने पड़ेंगे, और अगर आप प्लस 2 के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको 3 सीबीटी देने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इनमें आपको मैं बता दूं सीबीटी 1 है इसके अंदर आपके 20 गुना बच्चे जो हैं वो लिए जाएंगे, कितने गुना, 20 गुना। उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा अलग अलग के ऊपर, जिसमें आपको जो है 8 गुना बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपकी फ्रेंड्स जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है आप साइको वाले को प्रेफरेंस दें या फिर आप टाइपिंग टेस्ट को प्रेफरेंस दें। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये जो है टाइपिंग टेस्ट की है, और 6 नंबर जो है वो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट की, और जो 4-5 नंबर वाली है इसके अंदर कुछ भी नहीं है और ना ही 4 नंबर वाले पे है, ठीक है। आपके बस सीबीटी 2 ही देने, आपको 7 नंबर 8 वाले पे भी नहीं है आपका, ना ही टाइपिंग टेस्ट ना ही सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर 9, 10, 11 वाली पर जो आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे, और जो है 12 नंबर आपका कुछ नहीं है, 13 नंबर स्टेशन मास्टर पे आपका साइको का टेस्ट होना है। तो फ्रेंड्स ये आपने जान लिया, अब मैं बताता हूँ आप कौन से प्रेफरेंस दें। वैसे तो सब लोग, मैंने देखा है साइबर कैफे वाले के मेरे पास में ही है तो मैं उसके पास जाता रहता हूँ, तो वहाँ पर जो सब बच्चे फॉर्म भरते हैं वो कहते हैं टाइपिंग टेस्ट वाला हटा दे, टाइपिंग टेस्ट वाली प्रेफरेंस नहीं देनी मुझे, ठीक है, और साइको टेस्ट वाली वो प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ टाइपिंग इसमें मांगी कितनी हुई है, इंग्लिश के अंदर मांगी हुई है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर 25 वर्ड पर मिनट, आप में से आपको एक सिलेक्ट करनी, मान के चलो आप इंग्लिश करते और एग्जाम में क्या होता है 35 वर्ड पर मिनट या 40 वर्ड पर मिनट 45 वर्ड पर मिनट मांगे होते हैं। तो यहाँ पर जो है टाइपिंग बहुत ही ईजी है, अगर आप आपको बिल्कुल भी नहीं टाइपिंग आती तो 10 दिन भी आप टाइपिंग 15 दिन भी कर लेते हैं तो आपकी 30 वर्ड की स्पीड तो आराम से हो जाएगी, और 30 वर्ड से भी कम ही मांगे गए वहाँ पर, क्योंकि 8 गुना बच्चे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर 8 गुना बच्चों की नहीं हो पाई तो आपको जो है कम में भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी माने तो आप जो है टाइपिंग टेस्ट वाले को प्रेफरेंस जरूर दें, 1 नंबर पर मत दो लेकिन 2 नंबर पर या 3 नंबर पर जरूर दो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट सभी दूर भाग रहे हैं, वैकेंसी दोनों की इक्वल है, 18,000 उसकी है और 17-18,000 उसकी है, तो आप टाइपिंग वाले में बहुत कम बच्चे, कंपटीशन कम रहेगा, तो आप टाइपिंग वाली जरूर दें, क्योंकि ये बात जो कोई नहीं जानता है मैंने आपको बताई है। और आप साइबर कैफे वाले के पास जाकर देख लेना, पूछ लेना उससे, सभी ने जो है टाइपिंग वाली जो मना ही किया है, किसी ने नहीं डाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो टाइपिंग वाली को प्रेफरेंस दें तो अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। मेरे ओपिनियन में तो आपको जो है टाइपिंग टेस्ट वाली प्रेफरेंस 2 या 3 नंबर पर जरूर डाल देनी है, और साइको के लिए भी आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स, साइको के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो भी आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के ऊपर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आप सभी के ऊपर डाल दीजिएगा प्रेफरेंस जो है एक एक नंबर ऊपर नीचे कर करके, ये पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर, क्योंकि जो है आप सभी पर डाल सकते हैं प्रेफरेंस। अगर आपका पहले में नहीं होता है, पहले में आपने सभी चीज़ें पार कर ली, आपका मेडिकल टेस्ट में आप अगर रहते हो लास्ट में जा करके, तो आपको बाहर नहीं कर दिया जाएगा, उस स्टेशन मास्टर के अंदर कोई आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आपने जो दूसरी कट ऑफ क्लियर की है उसके अंदर आपका फिर मेडिकल होगा, या फिर उसके अंदर नहीं हो पाता मेडिकल, फेल हो जाते हो, तो तीसरे में जो आपने कट ऑफ क्लियर की है, तो सभी में आपका जो बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, आपको एक जॉब तो मिल ही जाएगी, और सभी जो है अच्छी लेवल की जॉब है ये, जो NTPC की जॉब आई है फ्रेंड्स, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो इसको जो है आप ज़रूर फॉलो करना। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, और मैं बताना चाहूँगा आप जो है अनअकैडमी के ऊपर ज़रूर पढ़ाई कर लें, क्योंकि अनअकैडमी जो है अभी स्टार्टिंग है इनकी, और बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है, जब आप इसे भी जानते हैं जो भी किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होता है, सभी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी इसकी ऐड। और आप जो है अमित जोगी 888
ये रेफरल कोड के अंदर डाल देते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।